हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे लोगों को जब पेट साफ करने की तकलीफ रहती है, मोशन कड़क हो रहा है, कठोर हो रहा है, या फिर पाइल्स फिशर फिशुला की तकलीफ है, यदि आपने सर्जरी कराई है या नहीं कराई है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे पेट साफ करने के लिए कुछ सिरप्स या मेडिसिन्स। ये सिरप में बहुत ही कॉमन मेडिसिन जो है, जिसका जेनेरिक नेम लैक्टुलोज है, ये शायद आपको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये लैक्टुलोज लेने का क्या सही तरीका है? मार्केट्स में बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल है जिसमें लैक्टुलोज सिरप मिलता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो सबसे पॉपुलर ब्रांड्स है वो है ड्यूफालैक, जो सैचेट फॉर्म में भी अवेलेबल है आजकल। उसका ही बॉटल भी आता है जिसको सिरप ड्यूफालैक बोलते हैं, या फिर ड्यूफालैक बल्क आता है, सिरप लैक्टी ऐप आता है, या फिर सिरप लैक्टी फाइबर आता है, सिरप लूज, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें लैक्टुलोज नाम की जो दवा है जिससे आपका मोशन सॉफ्ट होता है। तो इसको कैसे लिया जाता है, इसका लेने का क्या सही तरीका है? काफ़ी सारे लोग ये मेडिसिन को बराबर नहीं ले पाते और फिर अक्सर कंप्लेन किया करते हैं कि इनको जम नहीं रही है मेडिसिन, इसका टेस्ट नहीं जम रहा है, या फिर इसे कैसे लिया जा सकता है, पानी के साथ लेना है, दूध के साथ लेना है, मॉर्निंग में लेना है या फिर शाम को लेना है, खाने के बाद लेना है या खाली पेट लेना है, कितना ml लेना है, ये सब छोटे छोटे डिटेल्स, यानी ये सिरप कैसे लेना है, इसका सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको सिरप कैसे काम करता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स है और भी अन्य माहिती आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल्स में लैक्टुलोज सिरप के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए, इसे भी आप क्लिक कर सकते हैं और यूजफुल इन्फॉर्मेशन यही सिरप लैक्टुलोज के बारे में। आज हम बात करने वाले, फोकस करने वाले वीडियो में कि इसको लेने का क्या सही तरीका है। डिपेंड करता है कि आपको क्या कंडीशन के लिए सिरप दिया जा रहा है। यदि आपका कॉन्स्टिपेशन माइल्ड है या फिर आपने जस्ट सर्जरी की है, तो हमारा मकसद रहता है कि आपका जो स्टूल हो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, ताकि आपको जलन ना हो, दर्द ना हो और ब्लीडिंग होने के चांसेस कम रहे। तो जब भी हम ये सिरप लैक्टुलोज चालू करते हैं, ये लैक्टी फाइबर, ड्यूफालैक या फिर ये सैचेट, जब भी हम आपको स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो स्टार्टिंग डोज रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये जो दवा का असर है वो थोड़े से 2-3 दिन में मेन आपको असर दिखता है। तो स्टार्टिंग डोज जो है वो अक्सर 15 से 45 ml का डोज रहता है, जिसमें यदि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम पहले से ही ज़्यादा है तो फिर आपका डोज ज़्यादा रहेगा। हमेशा आप जब इस सिरप लेते हो तो इसका जो मेजरिंग कंटेनर है, इसमें मार्क्स दिए है, आप सीधा चम्मच में भर के मत पी लो, 1 चम्मच 2 चम्मच, क्योंकि अलग अलग चम्मच के अलग अलग साइजेस रहते हैं, किसी की चम्मच छोटी रहती, किसी की बड़ी रहती, तो ऑलवेज आप मेजर कीजिए। मेजर करने से एक तो राइट डोज जाएगा, और दूसरा यदि आपको डोज ज़्यादा हो रहा है और डायरिया हो रहा है, तो आपने पहले कितना डोज लिया था वो आपको याद है, ताकि आप वो डोज कम करके आप मेजर कर सको। तो स्टार्टिंग का डोज मैंने आपको बताया 15 से 45 ml, और फिर जैसे जैसे आपको मोशन बराबर हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, ज़्यादा डायरिया भी नहीं हो रहा है और ज़्यादा फिर आपको हार्ट स्टूल भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप मेंटेनेंस डोज, यानी अगर आपको ऑनगोइंग कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है या फिर आपका ऑपरेशन ताजा है और आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, तो फिर बाद में मेंटेनेंस डोज आपका 15 से 30 ml हो जाएगा। अभी ये जो डोज, ये जो सिरप लैक्टुलोज है, ये टेस्ट में बहुत स्वीट रहता है, बहुत ही मीठा रहता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स भी सेफली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शुगर रहता है इसको लैक्टुलोज रहता है, ये अपना बॉडी, ह्यूमन बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसके लिए शुगर लेवल आपके बढ़ाता नहीं है, इसके लिए डायबिटिक पेशेंट सेफली यूज कर सकते हैं। जब भी आप ये मेडिसिन यूज कर रहे हो, तो ये मेडिसिन में आपको जो खास बात जो याद रखनी है कि आपको ये जो मेडिसिन जो आप लेते हो ये मेजरिंग कंटेनर में, इसको आप जब पीते हो तब आप डाइल्यूट करके, यानी एक ग्लास पानी में घोल के भी ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ये मेजरिंग कंटेनर में 20 ml सपोज आप सिरप ले रहे हो या 15 ml, तो इसको तुरंत फटाक से पी जाना है, इसको मुंह में ज़्यादा मत रखो, क्योंकि ये मीठा है तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, उल्टी जैसा लगेगा या फिर आपको थोड़ा सा बेचैनी जैसा लगेगा, इसके लिए फटाक से पी लो और फिर फटाक से 1 से 1.5 ग्लास पानी पी लेना है। आप वाटर इंटेक ज़्यादा रहना जरूरी है, क्योंकि ये मेडिसिन से आपको क्रैम्प्स नहीं होना चाहिए, ब्लोटिंग के सेंसेशन भी थोड़े से हो सकते हैं, इसके लिए आप वाटर इंटेक ज़्यादा यूज कीजिए। आप ये पानी के साथ भी ले सकते हो, कोई फ्रूट जूसेस में मिक्स करके भी ले सकते हो, ये मॉर्निंग टाइम में आप ले सकते हो, अगर आप ले रहे हो तो खाने के 1 घंटे के गैप के बाद लीजिए, ताकि आपका फूड इंटरेक्शन कम से कम रहे, और अगर आप शाम को ले रहे हो और आप सपोज 8:30-9:30 डिनर कर रहे हो, तो 1-1.5 घंटे के बाद आप ले सकते हो, 1 टाइम भी ले सकते हैं, 2 टाइम भी ले सकते हैं। जनरली मैं मेडिसिन ये जब प्रिस्क्राइब करता हूँ
हमारे प्रैक्टिस में, तब एक बार एक डोज लेने के लिए बताते ताकि आप भूल ना जाए और आपको डिसिप्लिन से याद रहे कितना डोज लेना चाहिए। इसमें जनरली मैंने आपको गाइडेंस तो दे दिया कि स्टार्टिंग डोज आपका 15 to 45 ml है, और फिर 2-3 दिन में आपको रिड्यूस करके मेंटेनेंस डोज है वो 15 से 30 ml है। लंबे समय तक लेते हो आपके डॉक्टर के सुपरविजन में तो भी सेफ है, क्योंकि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में लैक्टुलस यूज किया जा सकता है। लेकिन सही डोज क्या है ये अक्सर फिर धीरे धीरे पेशेंट खुद समझने लगता है, क्योंकि उनको उनके बॉडी की इफेक्ट पता रहती है, उनको डायरिया हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टूल सॉफ्ट है हार्ड है। तो हमारा बेसिक मकसद कि 2 से 3 बार या फिर 1 से 2 बार सॉफ्ट स्टूल होने चाहिए, ज्यादा पतला संडास भी नहीं होना चाहिए मोशन, तो भी आपको बार बार लीकेज होगा, बार बार जलन होगी, बार बार दर्द होगा, और ज्यादा हार्ड स्टूल भी नहीं होना चाहिए ताकि आपको दर्द और ब्लीडिंग ज्यादा ना हो। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल इन्फॉर्मेशन। लैक्टुलस ड्यूफालैक यानी लैक्टीएफ ड्यूफालैक लैक्टुलोज ये सब जो पॉपुलर ब्रांड्स है इसे कैसे लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी और यूजफुल जानकारी ये सब मेडिसिंस और फिर पाइल्स फिशर फिशुला की यदि आपको तकलीफ है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको राइट यूजफुल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक सिंपल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता रहूंगा। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल इन्फॉर्मेशन कि लैक्टुलोज सिरप कैसे लेना चाहिए। इसकी और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दी है, इसे आप क्लिक कर सकते हैं और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए।